हेलो हाय गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज हम जा रहे हैं आद्विक की स्कूल पिकनिक के लिए। आद्विक भी साथ ही है और लेट्स सी कैसी होती है स्कूल में पिकनिक। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है बिकॉज पेरेंट्स के साथ स्कूल पिकनिक अभी तक नहीं शेड्यूल हुई थी स्कूल्स में, मतलब आद्विक के स्कूल में तो अभी तक नहीं हुई थी। सो अभी हम बस वहीं जा रहे हैं और दिखाती हूँ आपको कि क्या होता है इसके स्कूल में पिकनिक में। सो आद्विक ने अपना स्पेशली अपना कैमरा रख लिया है अपने फ्रेंड्स के साथ पिक्चर्स क्लिक करने के लिए और ये अपनी पिक्चर हमने अभी सेल्फी भी क्लिक करी है, कार सेल्फी। बैक साइड में आद्विक के पास जो ये बैग है इसमें मैंने कुछ फूड आइटम्स, पैकेज फूड आइटम्स रखे हैं बिकॉज होम कुक तो मैं आज कर नहीं पाई। अदरवाइज प्लान थी कि मैं कुछ होम कुक करके लेके जाऊँगी बट नहीं हो पाया बिकॉज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। और ये अभी हम जा रहे हैं आद्विक के स्कूल के लिए। स्कूल की जर्नी भी बहुत मतलब इंटरेस्टिंग होती है कि हम दिल्ली से नोएडा आते हैं पहले बिकॉज आद्विक का स्कूल नोएडा में है, नोएडा फिल्म सिटी। राइट। और मैं ड्राइवर बन के जा रहा हूँ। हेलो गाइस, तो बस मैं इनको ड्रॉप करूंगा, थोड़ी देर बाहर वेट करूंगा और फिर इनको वापस लेके घर पहुंच जाऊंगा। तो आज हमारे ड्राइवर का यही काम है, वो ये करने वाले। आद्विक, आर यू एक्साइटेड फॉर योर पिकनिक? ओके, आज अपने फ्रेंड्स के साथ आप बहुत एंजॉय करने वाले हो। और क्या क्या गेम्स प्ले करोगे आप? बैट एंड बॉल, क्रिकेट। उसको क्या मालूम कि वहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है? हाँ एग्जैक्टली, नहीं मुझे पता है कि कुछ टग ऑफ वॉर है और एक दो एक्टिविटीज पेरेंट्स के लिए भी प्लान की है। हाँ काइट फ्लाइंग करोगे आद्विक आप? वाओ, एंजॉय करने वाला आज आद्विक, हम फुली एक्साइटेड है। अपनी टी मैंने कैरी कर लिया बिकॉज घर पे थोड़ा लेट ही हो गई थी तो अब मैं साथ साथ अपनी टी एंजॉय करूंगी। सो हम पहुंच ही गए, बस ये देखो अभी बच्चे आ रहे हैं तो इतना लेट नहीं है, हम टाइमली पहुंच ही रहे हैं। तो बकेट लेके आए साथ में? हाँ बास्केट्स है उनकी, पिकनिक बास्केट्स। वी हैव रीच्ड। अभी आप देख ही सकते हो कितना एक्साइटेड है आद्विक। अब देखते हैं क्या क्या प्लान है अंदर। ओके, इन योर स्कूल? ओके, सो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है यार, अच्छा कुछ ऑर्गेनाइज किया स्कूल ने। ये आद्विक का प्ले ग्राउंड है स्कूल का, लुक हाउ हैप्पी ही इज, मतलब फुल एंजॉय मोड में है वो आज तो। अभी तक तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है पर आद्विक की क्लास से ओनली अभी मैं और एक फेलो स्टूडेंट है परमार्थ, उनके पापा आए हैं। सो होपिंग के और पेरेंट्स भी आएंगे और फिर हम फुल स्विंग में एंजॉय करने वाले हैं। सो अब हम काइट फ्लाई कर रहे हैं, मुझे तो आती भी नहीं है, पता नहीं कर भी पाएंगे कि नहीं। आद्विक चलो मूव फॉरवर्ड, यस फॉरवर्ड फॉरवर्ड, ट्राई ट्राई। अरे ये तो आपने खराब कर दी। ओहो चलो ट्राई करो, ट्राई करो इसको। मैंने देव को बोला था आप भी चलो तो बेटर होगा बट वाई नहीं,
अब देखो बेचारा काइट कैसे स्ट्रगल से उड़ा रहा है, उड़ा नहीं रहा, काइट फ्लाई नहीं, काइट रनिंग हो रही है। बट नाइस यार, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया स्कूल ने, कितना कुछ एक्टिविटीज पेरेंट्स के लिए। रिफ्रेशमेंट्स ले लेते हैं। तो सब पेरेंट्स को बोला था बच्चों के लिए कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके लाना या पैकेज लाना, तो मैं सैनिटाइज योर हैंड, वेट वेट, मैं तो पैकेज भी ला पाई हूँ, होम कुक तो पॉसिबल ही नहीं था। स्पेशली पेरेंट्स के लिए ये पिकनिक ऑर्गेनाइज किया गया था, बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत फन एक्टिविटीज़ थी। और कार में जाके थोड़ी डिटेल देती हूँ, अभी बहुत गर्मी लग रही है यार। सो गाइज, मैं कार में आ गई हूँ और मतलब बहुत इंजॉय किया, बहुत इंजॉय किया। एक बस गलती कर दी कि लेयर करके गए थे, विंटर्स हैं, मेरे को लगा कि ठंड है, बट बहुत गर्मी थी। हुडी में तो मतलब मैं परेशान हो गई, आद्विक को तो मैंने इवन थर्मल्स भी बनाए हुए थे, तो उसको बहुत गर्मी लग रही थी, लग मुझे भी रही थी। बट हमने बहुत इंजॉय किया, लाइक फन एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज थी स्कूल में। तंबोला था, कुछ पेरेंट्स तंबोला कर रहे थे, और म्यूजिकल चेयर थी, और टग ऑफ वॉर वीडियोस में आपने देख लिए, सब एक्टिविटीज है ही, पूरे व्लॉग में आप देखोगे। तो आप इंजॉय करना ये आद्विक के स्कूल का व्लॉग, और बताना, कमेंट करना कि आप लोगों के बच्चों के स्कूल में भी ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज होता है, बिकॉज ये आद्विक की न्यू प्रिंसिपल है जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, पेरेंट्स एंड चाइल्ड पिकनिक टाइप्स। इससे पहले कभी इसके स्कूल में, लास्ट नर्सरी में भी था, बट ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था। तो स्पेशली पेरेंट्स के लिए किया गया था, और पेरेंट्स ने लिटरली बहुत इंजॉय किया, बहुत ज्यादा। हम लोग अपना बिवरेजेस, फूड, होम पैक्ड सब लेके आए थे। आद्विक थोड़ा सा डिसअपॉइंट है, बिकॉज स्कूल में ना पेरेंट्स के लिए सारे एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज थी, किड्स के लिए ये था कि किड्स अपना फन करें। हमने पिक्चर भी क्लिक की इसके फ्रेंड्स के साथ, मैंने इसका जो प्रिंटर कैमरा है उसमें भी क्लिक करी है, बट वो थोड़ा सैड है क्योंकि उसको भी म्यूजिकल चेयर परफॉर्म करना था, तो वहाँ पे किड्स नहीं कर रहे थे। बट मैंने तो थरली इंजॉय किया, थरली बहुत इंजॉय किया। एंड मेरे क्या बोलूँ, मतलब स्कूल को थैंक यू, प्रिंसिपल मैम को थैंक यू, एंड टीचर्स को थैंक यू इतना अच्छा करने के लिए। और आप लोग भी देखो मेरा व्लॉग और बताओ आप लोगों को कैसा लगा।